नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पास किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। गुरुवार को पंजाब से चले किसानों ने हरियाणा के रास्ते दिल्ली कूच किया, लेकिन पुलिस द्वारा बॉर्डर पर ही किसानों को रोक दिया गया। पुलिस के साथ किसानों की झड़प भी हुई, लेकिन किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसान अपने साथ ट्रकों में राशन भरकर लाए हैं और लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। किसानों के पास राशन, दूध, सब्जी, कंबल, कपड़े, गैस, चूल्हा समेत अन्य सामान हैं। अंबाला पटियाला बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान दिल्ली कूच के लिए निकले, लेकिन पुलिस द्वारा रोक दिया गया। पुलिस ने किसानों पर लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले मारे और पानी की बौछारें छोड़ी। इस दौरान किसान ट्रक ट्रैक्टर पर मुस्तैद रहे। किसानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों को 3 दिसंबर को फिर बात करने के लिए बुलाया गया है। केंद्र की ओर से पहले भी किसानों के साथ बातचीत की कोशिश की गई है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि उन्हें दिल्ली जाने दिया जाए, अगर कहीं रोका गया तो उसी जगह पर धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। बता दें कि इस प्रदर्शन में करीब 30 से अधिक किसान संगठन शामिल हैं, जो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। पंजाब से चले किसान हरियाणा के रास्ते दिल्ली आने की कोशिश में हैं, ताकि राजधानी में ही प्रदर्शन कर सकें। किसानों की ओर से पंजाब हरियाणा बॉर्डर के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली आने की कोशिश की जा रही है। दरअसल किसानों की मांग है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए और MSP मंडी पर पहले जैसी स्थिति ही बहाल कर दी जाए। किसान संगठनों की केंद्र के साथ कई दौर की बात भी हुई है, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका है। दोस्तों, UAE ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। UAE ने पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देशों के लिए वर्क या एम्प्लॉयमेंट वीजा रद्द कर दिया है। इससे पहले कहा जा रहा था कि केवल पर्यटक या विजिट वीजा ही रद्द किया जाएगा। पाकिस्तान की सरकार ने शुरुआत में UAE के इस कदम को COVID-19 पर रोकथाम के तौर पर पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन अब कई रिपोर्ट्स में सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जा रहा है। कई विश्लेषक इस बैन को पाकिस्तान के अरब देशों के साथ रिश्ते में आई दरार से भी जोड़कर देख रहे हैं। कश्मीर मुद्दे पर UAE के भारत के साथ खड़े होने की वजह से कई बार पाकिस्तान नाराजगी जाहिर कर चुका है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब को भी धमकी दे डाली थी कि अगर वह कश्मीर मुद्दे पर इस्लामिक सहयोग संगठन की विदेश मंत्री स्तर की बैठक नहीं बुलाएंगे तो पाकिस्तान कश्मीर पर समर्थन कर रहे मुस्लिम देशों का अलग गुट बना लेगा। शाह महमूद कुरैशी के इस बयान के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्तों में भी खटास आ गई। पाकिस्तान को सऊदी अरब से लिया गया कर्ज भी लौटाना पड़ा। UAE का ये नया कदम भी पाकिस्तान के साथ खराब होते रिश्तों के संकेत के तौर पर ही देखा जा रहा है। पाकिस्तान में UAE के इस कदम से हलचल तेज हो गई है। UAE में पाकिस्तानी कामगारों की तादाद बहुत ज्यादा है। हर साल पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए UAE का रुख करते हैं। पाकिस्तान को UAE में काफी रेमिटेंस यानी कि प्रवासियों की ओर से घर भेजा गया पैसा भी मिलता है। पाकिस्तान में कई रिक्रूटमेंट एजेंसियों ने आशंका जाहिर की है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। 18 नवंबर को वीजा बैन के लागू होने से पहले ही रावलपिंडी की एक रिक्रूटमेंट एजेंसी ने 3,000 नौकरियां गंवा दी। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है कि ये नौकरियां पाकिस्तानियों के हाथ से फिसलकर भारतीयों के पास चली जाएंगी। UAE प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तान के लिए वर्क और एम्प्लॉयमेंट वीजा पर फिलहाल रोक रहेगी। हालांकि इस फैसले का असर पुराने वीजा या जारी किए जा चुके वीजा पर नहीं पड़ेगा। दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन की ओर से जारी किए गए पत्र में नए वर्क वीजा और विजिट वीजा पर रोक लगाए जाने की बात कही गई है। पाकिस्तान के अलावा ये बैन सीरिया, तुर्की, ईरान, यमन पर भी लागू रहेगा। कोरोना वायरस महामारी के लिए इस महीने 3 प्रभावशाली वैक्सीन चर्चा में चल रही थी। मॉडर्ना, फाइजर के अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन भी काफी सुर्खियों में थी। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका कंपनी सपोर्ट कर रही है और ब्रिटेन के PM ने भी इस वैक्सीन को लेकर काफी पॉजिटिव प्रतिक्रियाएं दी थी, लेकिन अब इस वैक्सीन की विश्वसनीयता पर खतरा मंडराता दिख रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस वैक्सीन के डेवलपर्स का कहना था कि वैक्सीन या तो 90% प्रभावशाली थी या 62%। जिन लोगों को इस वैक्सीन का हाफ डोज मिला और फिर एक महीने बाद फुल डोज मिला, उसमें इस वैक्सीन का प्रभाव 90% तक देखने को मिला। हालांकि जिन लोगों को 2 बार फुल डोज दी गई, उनमें सिर्फ 62% प्रभाव देखने को मिला। एस्ट्राजेनेका ने घोषणा की थी कि हाफ और फुल डोज लेने वालों की संख्या 2800 से कम थी, वहीं 2 फुल डोज लेने वालों की संख्या 9800 थी। सवाल ये था कि आखिर छोटी डोज और बड़ी डोज के चलते नतीजों में इतना बड़ा अंतर क्यों दिखाई दे रहा था। इस मामले में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स का कहना था कि वे इस बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं है,
इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की कमी देखने को मिली। एक्स्ट्राजेनेका की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एग्जीक्यूटिव मेनेलास ने भी कंपनी की मुसीबतों को बढ़ाते हुए कहा था कि कंपनी का लोगों को सिर्फ फुल डोज देने का प्लान था और उन्होंने हाफ डोज देने की तैयारी नहीं की थी, लेकिन गलती से ऐसा हो गया। हालांकि उन्होंने अपनी इस गलती को अपने लिए फायदेमंद बताया क्योंकि डोज में हुई गड़बड़ी से उन्हें काफी पॉजिटिव नतीजे दिए हैं। हालांकि इस मामले में फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि वे किसी भी वैक्सीन से 50% प्रभावशाली होने की उम्मीद कर रहे हैं। एक्स्ट्राजेनेका की वैक्सीन इस मायने में FDA के मानकों पर खरी उतरी है, लेकिन FDA की प्रवक्ता स्टेफनी ने इस बात पर कमेंट करने से मना कर दिया कि क्या एक्स्ट्राजेनेका की वैक्सीन इन गलतियों के बाद ऑथराइज हो पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, ऐसी खबरों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अगली खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए।